बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिलाई मशीन के कुछ ऐसे हैक शेयर करूंगी जो आपके सिलाई मशीन में आने वाली प्रॉब्लम को, जैसे धागा टूटना या कई दफ़ा है ना क्या होता है ना कि कपड़ा खींचने लग जाती है, मशीन प्रॉपर अच्छे से चलती नहीं है, तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर का टिप हमारा जो सिलाई मशीन से रिलेटेड है, तो देखिए खाली रैपर दवाई के हर घर में होते हैं, तो ये कितने ही काम के होते हैं आपको पता होगा, क्योंकि इस पर ना आजकल काफ़ी सारे वीडियो बन रहे हैं और इसे मैंने खुद भी आप जो है यूज़ करके देखा है इस हैक को, तो बहुत कमाल का मुझे लगा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए खाली दवाई के रैपर को ना जब आप सिलाई मशीन के नीचे इस तरह से रख के सुई के नीचे चलाते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना कि आपकी सुई में जो भी प्रॉब्लम है ना, अगर जंग लगी हुई है या उसकी नोक निकली हुई है, जिसकी वजह से है ना कपड़ा खींचने लग जाती है, धागे खींचने लग जाते हैं और प्रॉपर अच्छे से ना इसमें शार्पनेस नहीं है, जिसकी वजह से ना ये हल्के से मोटे कपड़े पर आके चलती नहीं है, कई बार जो है धागा भी तोड़ देती है। तो इस तरह से ना आपने 3 से 4 मिनट तक है ना दवाई के खाली रैपर पे इस तरह से आपको जो है मशीन को चलाना है, जिससे आपकी सुई में जो भी प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाएगी, और जब आप सिलाई करेंगे ना तो आपकी मशीन की सुई की वजह से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से ना स्टिच कर पाएंगे, क्योंकि जब धागा टूटने लगता है ना तो स्टिचिंग में जो है मज़ा नहीं आता, और जो है हमारी कपड़े में जो फिनिशिंग आनी चाहिए ना तो वो भी नहीं आती, क्योंकि बार बार धागा टूटता है तो इस वजह से फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो जब भी आपके मशीन में इस तरह से प्रॉब्लम हो ना, आप इस हैक को ना यूज़ कीजिएगा, जिसकी वजह से ना आपकी सुई की जो भी प्रॉब्लम है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने जो इस दवाई के रैपर पे बहुत अच्छे से ना मशीन को चलाया है, आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी बार मैंने इसे चलाया, इसी तरह से सेम आपको चलाना है तो आपके भी मशीन है ना बिल्कुल अच्छे से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगी, और देखेंगे तो शाइन भी आएगी सुई के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो देखिए ये खाली दवाई का रैपर जो है ना आपकी सुई को तो ठीक करेगा, साथ ही साथ आपकी कैंची में अगर धार कम हो गई ना उसे भी तेज़ कर देगा। तो जिस भी सीज़र के आपकी धार कम हो गई है ना, आपने खाली दवाई के रैपर लेना है, रैपर फीके जाते हैं तो बहुत अच्छे से ना यूज़ हो जाएंगे और आपके ना सीज़र की ना शार्पनेस जो है धार तेज़ हो जाएगी, तो घर बैठे तेज कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट खाली रैपर के ऊपर आपने इस तरह से कट करना है, तो आप खुद ही फ़र्क देखेंगे कि आपकी कैंची ना काफ़ी अच्छे से ना पहले से ना चलने लग जाएगी। और ये हैक है ना बहुत ही कमाल का है, इसकी हेल्प से ना काफ़ी सारे जो है सब ने ना इस तरह से ना सीज़र को शार्प करा है और देखा है कि वाकई में ही सीज़र जो है शार्प होती है, और ये मैंने खुद भी जो है यूज़ करा है, जिस वजह से मेरे को ये काम का लगा, तो जिस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब बिगनर होते हैं ना तो उन्हें सीज़र के या सिलाई मशीन के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, तो जो ये वाली वीडियो है ना बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि छोटे छोटे से हैक्स है जिससे ना आप अगर सिलाई मशीन चलाते हैं ना तो आपकी हेल्प हो पाएगी। तो एंड तक बने रहेगा। लास्ट में ना मैं आपको ना एक फ्रॉक का डिज़ाइन भी दिखाऊंगी जो मैंने ना खुद बनाई है, तो जब भी बचे ना कपड़ा तो आप है ना उससे ना फ्रॉक बना सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए जो मेरा नेक्स्ट टिप्स है कि जब भी आप ना अपने सुई धागे के डब्बे को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, इस तरह से रील को रखते हैं, तो आपको ना सारी रील है ना अच्छे से एक जगह मिलती है, आपको कोई भी रील है ना इधर से उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक डब्बा खोला और उसमें आपको सारी रील है ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज मिलेगी। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र है ना मैंने आपको बना के दिखा रखा है मेरे पिछली वीडियो में, जाके देखिएगा, देखिए कितने अच्छे से ना धागे सारे ऑर्गेनाइज हैं, तो आपको भी इसी तरह से रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो जब भी मशीन में ना ऊपर की तरफ अगर आपको सिलाई ख़राब दिखे ना, तो आपने क्या करना है ना अपने ना सिलाई मशीन के सेटर को ना निकाल के देखना है कि इसके अंदर से ना फेंकी से धागा जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से निकल रहा है नहीं, अगर ये ऐसे ही निकल रहा होगा जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, तो उसकी वजह से भी ना आपकी सिलाई मशीन से ना सिलाई सही नहीं आती, और कपड़े के ऊपर जब सिलाई सही नहीं आती ना, इसका मतलब कि आपके मशीन के नीचे गड़बड़ है, यानी कि मशीन के सेटर में। तो देखिए इस तरह से ना धागे को इस तरह से निकालें, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ना इसी तरह से धागे को ना जो है फिक्स करना है सेटर में, तो फिर सिलाई मशीन नीचे
इसका जो धागा है ना ये ऊपर जो आता है तो बिल्कुल अच्छे से आएगा और आपकी सिलाई भी बिल्कुल ठीक आएगी, दाने भी नहीं आएंगे और ना ही धागा जो है लूज़ निकलेगा। तो ये वाला हैक है ना आपको बेहद काम आएगा, जब भी आपके कपड़े में ऊपर की तरफ सिलाई ख़राब हो तो आप इस तरह से सही कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो देखिए जिस तरह से मैंने बताया कि ऊपर जब कपड़े में सिलाई सही नहीं आती उसका मतलब कि नीचे गड़बड़ है, और इसी तरह से अगर नीचे कपड़े में धागा सही नहीं आता इसका मतलब ऊपर गड़बड़ है। तो ये देखिए ये है टेंशन नट, इसे टेंशन नट कहते हैं, और इसमें जब ये दो प्लेटें बनी होती हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और इसके बीच में जब धागा या कोई भी हल्का सा ना तिनका भी फंस जाता है ना तो भी है ना जो सिलाई मशीन है ना अच्छे से ना प्रॉपर सिलाई नहीं देती और नीचे की तरफ है ना इसमें दाने आने लगते हैं। तो इसे आपने ना टेंशन नट को लूज़ करके इसमें जो भी कुछ फंसा है उसे क्लीन कर ले और फिर धागा डाले और फिर उसके बाद मशीन में धागा डालें अच्छे से प्रॉपर जिस तरह से डाला जाता है, क्योंकि जब हम प्रॉपर अच्छे से धागा भी नहीं डालते ना तो फिर है ना उससे भी मशीन की सिलाई सही नहीं आती। तो ये सारी जो मैं हैक बता रही हूँ ना बिगनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि उन्हें जो है छोटी छोटी सी बातें पता नहीं होती जिसकी वजह से ना उनका ना मुश्किल हो जाता है सिलाई करना। तो देखिए मैंने इसमें धागा डाल लिया, मैं आपको चला के दिखाती हूँ मशीन। तो देखिए जब भी आपने ना इस तरह से प्रॉब्लम हो तो मेरे बताए हुए इस हैक को अपना के देखिएगा, आपकी सिलाई मशीन है ना मिनटों में ठीक हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से ना धागा जो है आ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ऊपर सिलाई सही नहीं आ रही तो इसका मतलब नीचे गड़बड़ है, और अगर नीचे सिलाई सही नहीं आ रही इसका मतलब ऊपर गड़बड़ है। तो आपने ना मेरी इस टिप्स को याद रखना है और अपनी सिलाई मशीन को मेरे बताए तरीके से रिपेयर कर लेना है। तो चलिए आपको फ्रॉक दिखा देती हूँ जो मैंने बचे हुए कपड़े से आयजा के लिए बना के तैयार करी है। तो आपके पास भी सूट में से जब कपड़ा बच जाए ना या आपको फ्रॉक बनाना है तो आप है ना मार्केट से भी कपड़ा ला के बना सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग भी बता दूँगी, अगर कमेंट आते हैं तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बता दूँगी। यहाँ देखिए इस तरह की मैंने स्लीव्स बनाई, तो छोटे बच्चे की इस तरह की स्लीव बहुत अच्छी लगती है। और पीछे जो है मैंने ना इसमें बटन बनाने लगाने हैं और काज बनाना है, और यहाँ पे ये जो है डोरी मैंने दी है पीछे बांधने के लिए। और देखिए इस तरह से ही फ्रॉक बनके तैयार हो गई है बचे हुए कपड़े में से। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।